सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग डिपार्टमेंट के आगे खड़े हैं चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 2, और यहां पे वे बालक आए हुए हैं जिनकी वैकेंसियां रुकी हुई थी। मुख्य बात आप यहां पे एक 80 साल के बुज़ुर्ग ने भी देखो हो जो इन खातर दिहाड़े भर है। बात कर ले उनसे पंडित हरिराम दीक्षित जी। राम राम जी। राम राम राम। और जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक रहो है। बिल्कुल सही है। अच्छा सुनाओ, चेहरे पे और भी खुशी आ जाए जब बड़का का रिजल्ट आ जाए। आज बहुत खुशी की बात हुई है कि 4 रिजल्ट लुके हुए थे हमारे जी, पुलिस वाले थे और ये थे इस वाले टैक्स इंस्पेक्टर वाले थे, ये तो रिजल्ट आ चुके थे। इन्होंने वादा किया था, हम 11 बजे मिले थे चेयरमैन साहब से जी, कि मैं 2 बजे इसका मंडी सुपरवाइज का रिजल्ट दे दूंगा और हिस्ट्री के जो पीजीटी के बच्चे हैं उनका मैं सोमवार को दे दूंगा। अच्छा जी। तो इन्होंने ठीक 2 बजे जो वादा किया था उसके मुताबिक इनका रिजल्ट निकाल दिया और हम पूरी उम्मीद करा कि सोमवार को इनका रिजल्ट भी पीजीटी हिस्ट्री का निकाल दें। हमारे सिर्फ 2 ही रिजल्ट पेंडिंग है और एक तीसरा हमारा रिजल्ट है रोडवेज में ड्राइवर होगा, उसके बारे में बोले हम सोमवार को निकालते हैं। एक ज्योग्राफी का भी रिजल्ट आया है कोई अभी? ज्योग्राफी का अच्छा। तो जी अब आगे का के कुछ प्लान है, क्योंकि कुछ बड़का के रिजल्ट वे भी रुके हुए हैं जो क्रिस्टन वाले हैं, वेटिंग वाले हैं या और भी बड़का के रिजल्ट हैं, उनके कब तक के कुछ हिसाब? आज चेयरमैन साहब ने हमारे से वादा किया था जी के जी मंगलवार तक वेट कर लो, आप सोमवार को रिजल्ट निकाल दूंगा जी, मंगलवार तक वेट करो, जितने भी आपके पेंडिंग इशू हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये सोमवार आया इसकी बाट देख के मंगलवार ने फिर हम कोई बाहरी स्टेप उठाने की योजना बनाई, रिजल्ट यदि नहीं निकाला नहीं अच्छा जी तो हम फिर पहले की तरह पूरा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, नहीं तो अपनी दरी दूरी सारा कुछ तैयार था आज का भी, लेकिन आज थोड़ी सी आज तो दरी है ये यहाँ ग्राउंड में जी, मंगलवार ने तो ये दरी है गाड़ी का आगे बिछाई जाएंगे, जो चेयरमैन साहब की गाड़ी है उनका आगे बिछाऊंगा। अच्छा, आज किस किस का रिजल्ट आया है अभी? आज आया है एक तो रिजल्ट है मंडी सुपरवाइजर का। अच्छा, मंडी सुपरवाइजर का रिजल्ट का वादा कराया था और सोमवार का वादा कराया है पीजीटी हिस्ट्री वालों का। तो अभी मंडी सुपरवाइजर वाले बालक कौन है? जो लड्डू खिला रहे थे भाई दिनेश और दीपक, और वो साथ में 10 हमारे बच्चे रह रहे हैं रोडवेज में ड्राइवर, उनका रिजल्ट का भी वादा कराया है। अच्छा, मंडी वाले भाई मिठाई भी ले रहे हैं, डब्बा उड़े दे रहे हो कदे सारे खाचे। राम राम भाई। राम राम जी। अच्छा, आज रिजल्ट आ गया? बिल्कुल सर, 2 भाई हो मेरे ख्याल से। हां जी, 2 हैं, दोनों इलाके के, दोनों के हो गए सिलेक्शन। ये तो चढ़ाए पार्टी के अभी बस दादा जी की मेहरबानी है, राम जी की मेहनत से और सभी हमारे साथियों की मेहनत से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और जिसकी हम बिल्कुल। कहां से आए हो? मैं सर फतेहाबाद से हूं। फतेहाबाद से? हां जी। क्या बात है। अच्छा, घर तो फोन कर दिया होगा? हाँ जी सर, है ना, काम को हंड में चुकर कर दिया होगा। हाँ जी कर दिया। अच्छा अच्छा, और किसका रिजल्ट आया है यहाँ पे? मेरे ख्याल से ये रिजल्ट ये कितने थे आपके इसमें ईबीबीजी के कैंडिडेट आपकी वैकेंसी में? 13 पोस्ट थी और 27 कैंडिडेट थे, 27-28। 13 पोस्ट थी, 27 कैंडिडेट थे। हाँ जी। तो भाई देखो, एक दुविधा में आपने मैं बताऊंगा, ये 2-3 बालक आ रहे हैं, पोस्ट थी 13 और नहीं आए क्योंकि सब ने नुबेरा था भाई उड़े दादा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दादा हरिराम दीक्षित के बगैर बाबा दादा हरिराम दीक्षित की, दादा हरिराम दीक्षित की। ना ना ना, जय ना करो, कोई बात नहीं, दादा के बगैर किसी की औकात किसी की ताकत नहीं है। पहले रिजल्ट यही पड़े थे, हरिराम दीक्षित नहीं है बेटे, 105 आदमी है ईबीपीजी के, 21 जिले थे, 5-5 आदमी है, ये कमेटी बना रखी थी हमने, बूढ़े बूढ़े आगे मेरे वर्ग आगे 2 आदमी तो ऊपर जाए लिए, 103 के 3 जीवे हैं, न्यू सजनम आ जाए भाई है। लेकिन जगह पे तो आप पे दिखो हो और मैं 103 किसी हैं जी, मेरा रूम में लह दिए हुए मैं आ जाऊँ भाई बात होगी ना। मैंने मैं कहूँ था जो 13 वैकेंसी थी उनमें 2-11 ने 2 आगे जो मिला दिया, अरे ये आपके सारे आगे। सुनो हाँ जी, मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट रही है, या देखा बेल्ट ले रहे हूँ, फिर भी मैं इन बड़का खतरे मेरे पाल नहीं उठे हैं जमा जो मेरे कुछ नहीं बैठ लगी हुई है जी, बैठ ले रहे हैं।
देखो भाई, देखो भाई नजदीक से देखना। 80 साल तो होगी होगी जी उम्र, 81 साल की उम्र में, और यो रीढ़ की हड्डी पे चोट, और ये बेल्ट बांध कर रहे हैं। और देखो सारे तो मैं भी अड़े बैठा था, एक घंटा बैठा रहा, बाबूजी जा रहे थे कहीं कहीं धक्के खान, कदे नुन्ने कदे नुन्ने कदे नुन्ने हाई कोर्ट ती जाया है, और बेल्ट बांध रहे हैं। भाई यो जो आदमी है ना, धरती पे बड़े रेयर आदमी हुए हैं जो इतने काम करे हैं। लोगों ने नू नहीं कि भाई और आ जाओ ना, सब ने बेरा भाई आज तो दादा जा रहा है, हमारी वैकेंसी आ जाओगी। भाई जितनी मेहनत इन्होंने करी है, ये तो अपना क्रेडिट भी नहीं लेंदे। और जितने बालकों की वैकेंसी है, उनके सिर्फ 2% बालक आ रहे होंगे, नहीं तो बालक भी नहीं आते। नौकरी चाहिए है और बालक भी नहीं आते। उलाना भाई यू बी पी जाना था, उलाना है यो। अरे भाई नौकरी मिल जाओगी तुमने, और फोन तो ही नहीं करोगे, शर्म की बात है, डूमर जियो। चलो भाई और जी अच्छा कुछ फिर भी रह रही है वैकेंसी? हाँ जी। आप किसके लिए आए थे? पीजीटी हिस्ट्री के लिए जी। हिस्ट्री के लिए? हाँ जी। लेकिन भाभी सोमवार तक की उठ रखी पीजीटी हिस्ट्री की? हाँ जी, हाँ जी। सोमवार की उठी है। अरे नहीं तो फिर दरा बैठा बिछेगा उड़ा गड्डी के आगे भैया के। देखो विश्वास है? बिल्कुल पूरा। बन जाओगी बात? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, जहाँ दादाजी वहाँ हम। क्या बात। चलो भाई। हाँ जी, जब दादा है ना, हाँ जी, तभी हम यहाँ है, दादा ना होते तो शायद यहाँ ना ना। जब तक नौकरी नहीं जब तक आटा। हाँ नौकरी तो भाई खैर सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, एक्सेप्ट कर ले वहाँ। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा, यहाँ के कुछ बालक हैं जो ईबीबीजी में लग रहे हैं, वो सपोर्ट करने खातर हर बार आए हैं, लेकिन और जगह से कितियाँ तो कोई नहीं आता। 1:30 बजे ही रात ने बाबू जी सोए थे, और 3:30 बजे उठकर घर तक चल लिए थे। इनका भाई बड़ा विशेष धन्यवाद है, इनकी ईमानदारी को लेकर, हर चीज़ को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।